हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था, आज हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2, आपको 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम इसमें यूज करेंगे। पहले हम इसको इसका ऑपोजिट मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको हम लेट करेंगे। लेट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो हमने गलत को ट्रू मान लिया है उसी पे हम आके कहीं अटकेंगे, तो हम वापस कह देंगे कि ये अजम्पशन जो हमारी है वो गलत होती है। तो इस तरीके से हम इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से के थ्रू प्रूव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने 1/2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर। सो 1/√2 इज रैशनल, क्या होता है, p/q। हमने इसकी जगह पे इक्वल टू और रैशनल नंबर को जिस फॉर्म में होता है वो लिख लिया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, q तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और p एंड q को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होता है, वो होता है 1, राइट? अब देखिए, अब 1/2 को हम ये कह सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में है। अब नीचे अंडर रूट हम नहीं लिखते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे रैशनलाइज कर दीजिए। अंडर रूट 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे इक्वल टू p/q। यहाँ क्या आया, √2/2 इक्वल टू p/q। ठीक है, √2 इक्वल टू 2p/q। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, रैशनल, राइट? ये क्या है आपका, इरेशनल। लेकिन अभी ये क्या बन गया आपका, रैशनल, क्योंकि रूट टू इक्वल टू रैशनल लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, रैशनल। तो हम लिखेंगे 2p/q इज अ रैशनल एंड अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, राइट? ये मेंशन किया, यहां लगाएंगे बट। सो आर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि आर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption गलत साबित होती है कि 1/2 क्या है, रैशनल। इसके बाद हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको सिंपल सा तरीके से p/q के इक्वल रखना है क्योंकि वो रैशनल होते हैं। जैसे ही आप एक सिंपल इक्वेशन में पहुंचेंगे वहां आपने बताना है ये तो रैशनल है और ये इरेशनल है, और रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। इस कंडीशन से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये आपका रैशनल आ गया, ये आपका इरेशनल। तो हमारी जो कंडीशन हमने ली थी कि हम 1/2 को, अंडर रूट 2 को रैशनल मानते हैं, वो अजम्पशन गलत हुई और इस कारण 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकेंड पार्ट इज 7√5। सेम इसी तरीके से लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपने 7√5 को क्या मान लिया? रैशनल नंबर। 7.5 एज इट इज लिखिए इज इक्वल टू रैशनल नंबर को लिख सकते हैं पी बाय क्यू। इधर यू कैन राइट हियर ए बाय बी सी बाय डी, वो आपकी मर्जी है। यहां लिख दीजिए चाहे q इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? जिसमें कॉमन फैक्टर होगा ओनली वन, ये याद रखिएगा। नाउ 7 यहां ले जाते हैं हम, रूट 5 को अकेला करते हैं, पी बाय क्यू 7 क्यू, राइट। अब ये हमारा क्या हुआ? रैशनल। ठीक है, इसको ऐसे ही तो। अब देखो हम कह रहे हैं पी अपॉन 7 क्यू क्या है? रैशनल, ये हम जानते ही हैं। सो अब हमने इसकी प्लेस पर रैशनल वर्ड यूज कर दिया तो रूट 5 क्या कहलाएगा? रैशनल। सो अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कॉन्ट्राडिक्शन एकदम बदल गई कि 7√5 रैशनल है। तो हमने जो अज्यूम किया वो क्या हो गया? हमारा रॉन्ग कंडीशन हो गई। तो हम लिख सकते हैं आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। उससे पहले Which is a contradiction. So, our assumption is wrong. हमारी assumption wrong हो गई क्योंकि हम यही अटक गए। अब हम लिखेंगे therefore या फिर hence 7√5 is irrational. ठीक है ना, ये सिंपल सा। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 6√2। सेम उसी तरीके से लेट 6√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से। 6√2 इक्वल इज की जगह इक्वल, रैशनल की जगह पी बाय क्यू, where q is not equal to 0, और यहां where p and q are co-prime numbers, right? अब देखिए ये आ गया आपके पास 6 को हम यहां ले जाते हैं under root 2 equal to p by q minus 6। ये पूरा क्या है आपका? रैशनल। इसे एज इट इज उतार दो, यानी कि 2 क्या है? रैशनल। हम लिखेंगे p by q minus 6 is a rational, so under root 2 is rational। ये भी क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये बोला था कि 6√2 क्या है? रैशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से ये कब अराइज हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज किससे? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ऐसा हो। समझ आई? ये लास्ट पार्ट है तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। उस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं और यहां से भी आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सब में सेम मेथड यूज कर सकते हैं। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने ये अजम्पशन की है इस वजह से ये अराइज हुआ। इसके बाद हेंस वी कंक्लूड दैट
6 plus under root 2 is irrational number. ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट मैंने आपको समझाए. आपको इनमें से किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क. वैसे बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा समझ के इस क्वेश्चन को करना है. माना थोड़ा सा न्यू है तो आपको समझ के, हो सकता है आपको यहाँ नहीं समझ आए क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा. हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में उसे लिखा है, फिर हमने अंडर रूट टू को अंडर रूट जो भी है उससे सेपरेट कर दिया और बताया कि ये रैशनल है और ये भी फिर रैशनल शो हो रहा है. तो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमने सोचा था वो एज्यूम किया था उस वजह से ऐसा हुआ, पर वो एजम्पशन हमारी गलत साबित हुई और ये नंबर जो है वो रैशनल नहीं इरैशनल ही है. बस इस चीज को याद करते करते आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है. होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप न्यू है चैनल में तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें. टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय.